सर, हम लोग आए हैं आजाद बन कबाब हाउस। तो ये है बंस रोड में और आई होप दिस इज गुड। आजाद बन कबाब की खास बात ये है कि ये खुला था तकरीबन 1920 या 1930 में और इसका नाम आजाद बन कबाब है। आजादी के वक्त ये हुआ था और इसका मजे की बात है कि इसके सिर्फ एक ही फ्लेवर है बन कबाब का, जो है दाल अंडा। और ये सिंगल में इसका आता है 70 रुपए और डबल में 140। तो आइए चले खाते हैं आजाद बन कबाब। दाल और अंडे का कबाब होता है। अभी तो फिलहाल 70 रुपए का सिंगल बन कबाब है, डबल 140 का। 92 में मैंने काम करा यहाँ पे, घर पे माल तैयार होता है। शुरू में हुआ था तो एक आने का दो आने का बन कबाब था, उस वक्त देसी घी था, देसी अंडे थे। बड़ा अच्छा है, इसकी चटनी के साथ, चटनी इसकी बहुत चटपटी है और दाल अंडा ऐसे क्लासिक है बहुत। प्याज के साथ मिलाकर ये बहुत चटपटा है, बहुत मजेदार है, ओवरऑल वेरी गुड। इनके पास एक ही फ्लेवर है जो है दाल अंडा और वैसे भी वेरी गुड है ओवरऑल। टीपू से तो हजार लाख भर से बेहतर है टीपू से, एक फ्लेवर के साथ ही हो। टीपू के 4000 फ्लेवर है सारे के सारे अजीब से भी, मगर दिस वन इज वेरी गुड और चटनी के साथ मिलाकर बहुत चटपटा और मजेदार है। तो गाइस ये था एंड और ओवरऑल दिस बन कबाब वाज वेरी गुड। ये बंस रोड में आजाद बन कबाब है, सिंगल का 70 रुपए और डबल का 140 रुपए, जो अच्छी प्राइसिंग है, अच्छी रेंज है। तो अगर आपकी कोई रेंज है 200 रुपए में और आप डिफेंस में आए हुए हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप डेफिनेटली ये खा सकते हो। वेरी गुड ओवरऑल। तो गाइस हमारी नेक्स्ट लोकेशन है आजाद बन कबाब और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रश है यहाँ पे, इसका मतलब ये सबसे मशहूर बन कबाब है और बहुत अच्छा है जहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है। गाइस आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज़ ऑफ द लाइन, देखिए बस कितनी बड़ी लाइन। इतना शोर है कि लग रहा है बंदे फटी हुई है, बहुत शोर है। हम लोग आए हैं आजाद बन कबाब और यहाँ पे इतनी रश है और फाइनली आफ्टर इतनी रश के बाद हमें यहाँ पे बन कबाब मिल गया आफ्टर काउंटलेस आवर्स। काफी अच्छा है, उसका तरीका खाने का थोड़ा अजीब है बन कबाब, मगर तब भी अच्छा है, बहुत चटपटा और अच्छा है ये। इसको खाते हैं, इसका तरीका है सालन की तरह, जैसे आपने ये तोड़ा निकाला, इसका चटनी में डुबोया। मैंने कबाब को बन कबाब से ना कबाब को हटा लिया बन खा। So guys, this was really fun and mazedar and I really hope you enjoyed it. So, our next part will be Mirchi Lee.